तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे लूप के ऊपर। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में लूप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो वीवीए हो चाहे कोई और भी क्यों ना प्रोग्रामिंग हो। तो वीवीए जो है काफी, वीवीए में लूप इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लूप के बगैर आप ना वीवीए या जावा या पायथन किसी भी लैंग्वेज में आप वर्क सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपको लूप नहीं आता है। तो लूप इम्पोर्टेंट है। चलिए लूप क्या है पहले उसको जानते हैं और कितने तरह के उसको हम जानते हैं। लूप का काम होता है रिपीटेशन। एक छोटा सा मैं स्टिकर बना रहा हूं, यहां पे आप देख लें, एक छोटा सा है। और यहां पे मैं टोटल कर देता हूं और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया, राइट। अब मान लीजिए मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना होता है, मुझे इसको तीन बार चार बार कॉपी यहाँ इस तरह से करना होता है, इस तरह से करना होता है। तो मैं चाहता हूं एक लूप बने ताकि मैं जितना बार बोलूं उतना बार कॉपी कर दे। तो इसके लिए मैं विजुअल बेसिक पे जा रहा हूं, एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूं, इसमें फिर देखूं कौन से बुक में, बुक टू में है तो मुझे यहां बुक टू पे क्लिक करना होगा और यहां इंसर्ट करना होगा मॉड्यूल को, सब्जेक्ट आर आर या लूप अंडरस्कोर वन हमने किया। अब कॉपी करने के लिए क्या है, रेंज ए वन से लेके सी सिक्स, तो यहां लिखेंगे रेंज ए वन से लेके सी सिक्स डॉट कॉपी। अब मुझे पेस्ट करना है इसके नीचे, तो पेस्ट करने के लिए लगाऊंगा मैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 182 हो गया यहाँ पे 2,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब क्या होगा कि ये सिर्फ एक बार ही रन करेगा, आप इसको रन करें तो सिर्फ आपका एक बार ही रन होगा। मैं चाहता हूं ये पांच बार रन हो, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं इस रेंज को कॉपी कर लूं, जो कि रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 50 बार हुआ तो क्या 50 बार कॉपी करेंगे, क्या 500 बार हुआ तो 500 बार कॉपी करेंगे, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हमें रिपीट किसको करना है। अब लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पार्ट आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो मुझे रिपीट करना है ये वाला पार्ट, ये मैसेज वाला पार्ट है, इसको रिपीट करना है। तो यहां पर लगाऊंगा लूप जो होता है फोर से करते हैं कि फोर आई इक्वल टू 1 2 हमने यहां दिया 5 और यहां पे नेक्स्ट आई कर दिया। तो आपको यहां से लूप है, आई के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, एबीसीडी एक्स वाई जेड एवरीथिंग जो आप चाहते हैं यहां दे सकते हो, इसमें वेरिएबल होता है, हमने डिफाइन नहीं किया, बस डिफाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां आपका बीच में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस लाइन को, जिस कोड ऑफ लाइन को रिपीट करना है वो आप लिख दीजिए नीचे नेक्स्ट, और जो वेरिएबल आपने दिया है वही आई लिख सकते हैं। अब यहाँ ये आई लिखना जरूरी नहीं है, बट जब मल्टीपल लूप होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए 5 टाइम रिपीट हो गया। अब हम लूप की बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिकली लूप जो है दो तरह के, दो कैटेगरी के होते हैं, पहला होता है फोर और दूसरा होता है डू। फोर के अंदर भी दो पार्ट है, पहला पार्ट है फोर आई
वन आई करते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग टू एंडिंग करते हैं ना यहाँ पे आई, तो ऐसे बोला जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है कि वेरिएबल, फॉर वेरिएबल स्टार्ट टू एंड। और दूसरा होता है फॉर ईच। फॉर ईच मतलब कि मान लीजिए मुझे एक सिलेक्टेड पार्ट में ही करना है, हम चाहते हैं कि मेरा जो वर्क है, मेरा जो कोड है, वो इस सिलेक्टेड सेल पे ही चले, जितना नंबर ऑफ सेल्स उतने बार रिपीट करे, तो फॉर ईच का यूज करते हैं। दूसरा होता है डू व्हाइल एंड डू अंटिल। अब फॉर को एक स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन चाहिए, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि फोर आई में अगर आपने 1 to 10 कर दिया, स्टार्ट और एंड आपको चाहिए क्या 1 to 10 तक चले, या फिर आपने एक सिलेक्टेड सेट, एक सिलेक्टेड शीट, एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट दे दिया, उतना बड़ा चलेगा। लेकिन अगर आपको रन करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, जैसे कि आपको बताया था इसको DIR फंक्शन बताया था कि एक फोल्डर में जितने भी नंबर ऑफ फाइल है, एक फोल्डर में जितने भी नंबर ऑफ फाइल है उठा ले। अब हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ फाइल कितने हैं, लेकिन DIR को जब तक मिलता रहे तब तक उठाता रहे। मतलब कि आपका ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो जब तक कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जैसे कि इंटरनेट पेज आप ओपन कर रहे हो और वेट कमांड देना है, तो वेट कब करना है, जब तक कि इंटरनेट पेज पूरा तरह लोड होके रेडी ना हो जाए, तो उस केस में हम डू और व्हाइल लगाते हैं। तो निकिता जी एंड विजय जी, ये समझ में आ गया कि लूप कितने तरह के होते हैं और कब कब कौन सा लूप यूज किया जाए? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े। अब चलिए हम ये हो गया, अब बात करते हैं कि आई को कैसे इस्तेमाल किया जा सके। और हमारा दूसरा नंबर शीट पे आते हैं, मुझे यहाँ पे 1 to 100 तक का नंबर लिखना है, राइट? तो दो तरीके हैं, यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 100 और नेक्स्ट आई हम दे दिया पहले। अब इस बीच में हम देते हैं, यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं कि ऊपर एक वेरिएबल ले सकते हैं कि dim r as a long और यहां दे देंगे r equal to r plus 1 range। i नहीं होगा, r होगा, डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब क्या हो रहा है कि लूप इस दो लाइन जो दिखा है ना सर आपको, ये इन दोनों लाइन को रन करेगा। तो जैसे ही 4 को मिला 1 to 100, मतलब कि 4 जो है इन दोनों लाइन को 2 times, मतलब कि 2 times रिपीट करेगा, नहीं माफ कीजिएगा 100 times ना, 100 है ना 100 बार, इस दोनों लाइन को 100 times रिपीट करेगा। तो आर, हमने आर एज ए लॉन्ग डिफाइन किया, तो डिफॉल्ट आर के ऊपर क्या है, 0 है। अब यहां पे हुआ 0 plus 1, राइट? मैं एक एक करके एफेट करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? एफेट मतलब यहाँ डिवर्ग में होता है स्टेप इनफो, जो कि लाइन में लाइन चलता है, एफेट किया। अब देखिए आर क्या है, यहां पे आर बाय डिफॉल्ट 0 है, और जैसे मैंने एफेक्ट चलाया तो आर पे प्लस 1 हो गया। अब ए और आर क्या हो गया, कंबाइन होके ए 1, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहां देखेंगे 1 हो गए। तो एक तरीका ए भी है। दूसरा आप यहां पर देखिए आई क्या है, आई भी तो 1 है, आई भी तो एक काउंटर है ना, क्या सर? आई भी काउंट कर रहा है। अब देखिए i2 हो गया, i3 हो गया,
इसी तरह से अपने नंबर को इंक्रीज करता रहेगा जितना बार वो रेंज को रन करेगा, मतलब लूप के अंदर को चीजें को रन करेगा, अपने पास एक काउंट रख लेगा। तो आप जो आर का यूज किए हो, इस आर का यूज ना करके डायरेक्ट यहाँ आई भी कर सकते हो, राइट सर? विजय जी समझ में आ रहा है आपको? आप रेंज और आई बहुत सारे लोग आई पे कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए हमने ऊपर तरीका बता दिया कि आर इक्वल टू आर प्लस वन, वो भी लूप की आई की तरह वर्क करता है, ठीक है ना? तो दोनों तरीके बता दिए आपको, कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब जैसे मान लीजिए मैं जितने भी शीट्स हैं मैं चाहता हूं सारे शीट्स को रीनेम करना, ओके? तो यहां पे सब्जेक्ट और यहां पे मैं लूप अंडरस्कोर 3 यहां पे देता हूं कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट। ये यहां पे क्या होगा कि इस एंडिंग को मैंने ऑटोमेट कर दिया, 4i1 इक्वल टू सीट्स डॉट काउंट, जितने नंबर ऑफ सीट्स है वो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। इससे पहले हम लोग क्या करते, एंड पोजीशंस को, एंड वाले पोजीशंस है उसको हम लोग डिफाइन करते थे ना, अब यहां डिफाइन करने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो यहां अब यहां पे हम करते हैं सीट, सॉरी I ओके okay. अब मैं इसको रन करूंगा, जितने भी सीट्स है सारे सीट को रिनेम कर देगा I के साथ। समझ गए? कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से हम लूप का यूज करते हैं। लूप का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना सर आपको? मेरे को एक थोड़ा ये लूप मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब लूप का एग्जैक्ट यूज यही है कि आप जो है अपने जो भी कोड है उसमें से मान लीजिए एक ही काम को, जैसे वो ना सीट को रिनेम करना है, राइट? हर सीट को रिनेम करना है, अगर आप लूप ना लगाओगे तो अलग अलग सीट नेम को मैनुअली लिखना पड़ जाएगा ना सर। यहाँ हमने एक पैटर्न दे दिया, हमने दे दिया सीट आई डॉट नेम इक्वल टू डेटा राइट। इससे क्या हुआ कि एक ही लाइन में आपका हजारों सीट का रिनेम कर सकता है। okay. और समझ में आया सर? हेलो, डू और आई का एग्जांपल दे सकते हो जैसे अभी दिया? क्या डू और डू का बताया था ना आपने, व्हाइल और वो यूज कर सकते? नहीं, वो दूंगा मैं, वन बाय वन चलते, पहले इसको करेंगे उसको यूज करेंगे। फोर अभी खत्म नहीं हुआ है, फोर का तो बस जस्ट बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है। ओके सर, फोर का मैंने आपको ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट बताया है। तो फोर का बेसिक कंसेप्ट ये होता है
कि आप अपने अंदर जो कोड लिखे हुए कोड है उसको आप कई बार रिपीट करने के लिए आपको, जैसे आपने ऊपर ही देखा ना सर, इसी को देखा ना कि मुझे अगर इसको इस लाइन को 5 बार रन करना है, जितना बार रन होगा वो एक के नीचे लेटा था टाइप करेगा, मुझे इसको 5 बार लिखने। तो अगर मैं 4 ना लगाऊं तो मुझे इसी लाइन को 5 बार रिपीट करने होंगे, बट डायनेमिक तो नहीं ना होगा क्या विजय जी? डायनेमिक होगा नहीं। 15 हो गया तो फिर 15 लिखना पड़ेंगे, 20 हो गया तो 20 लिखना पड़ेंगे, अगर 10,000 हो गया तो 10,000 टाइम लिखने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं नॉर्मली कॉपी पेस्ट ही क्यों नहीं कर लूं। तो यहां हमने डायनेमिक किया कि भाई इस लाइन को 10,000 बार रिपीट करो, जितना बार रिपीट करोगे, लाइन इस तरह सेट किया हुआ है, इस तरह से कोड लिखा हुआ है कि जितना बार रिपीट करेगा उतना बार एक के नीचे डेटा कॉपी पेस्ट करेगा, बात समझे? उसी तरह से ये भी है कि जितना बार इस लाइन को रिपीट करोगे उतना बार ये अलग अलग शीट को नाम देगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सीक्वेंस दे रखा है। आई काउंटर है, अगर आई से कंफ्यूजन है तो आर इक्वल टू आर प्लस 1 कर दीजिए और यहां आर यूज कर लीजिए, सिंपल है। तो आप अब क्या कीजिए विजय जी,